बुढ़ाना स्थित भिंगारा गांव के सभी लोगों ने 18 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर चुनाव न होने देने का ज्ञापन एसडीएम ऑफिस में दिया है। आखिर ऐसे क्या हुआ कि गांव के सभी लोगों ने मतदान न करने का इतना बड़ा फैसला लिया, देखते हैं इस खबर के जरिए। विकास का डंका बजाने वाली मोदी सरकार यह कहती है कि उन्होंने हर गाँव में पक्की सड़क, लोगों के लिए अस्पताल जैसे कई सारी सुविधाएं मुहैया कराई है, मगर यह बात किस हद तक सत्य है ये हम आज आपको बताने जा रहे हैं। बुलढाणा जिला स्थित भिंगारा गांव के लोग पिछले कुछ सालों से कई परेशानियों से जूझ रहे हैं। इस गांव में ना तो पक्की सड़क है ना ही मरीजों के लिए अस्पताल। अस्पताल बंद तो रहा था मगर 25% तक काम होने के बाद वो भी बंद हो गया, जिसकी वजह से यदि कोई बीमार भी पड़ा तो उन्हें शहर में ले जाना पड़ता है और शहर में ले जाते वक्त उन्हें खराब सड़क की वजह से बहुत तकलीफें भी होती है। भिंगारा गांव के वासियों की समस्याओं में से एक पानी की भी समस्या है। इस गांव की हालत इतनी खराब है कि एक ही बावड़ी में से गांव के लोगों को पीने का पानी भरना पड़ता है, तो वही गांव के पशु पक्षी भी उसी बावड़ी में से पानी पीते हैं। लोगों के घरों में या गांव में एक भी नल नहीं है, जिसकी वजह से गांव की महिला को सुबह और शाम को बावड़ी में से पानी भरकर अपने घर तक लाना पड़ता है। कभी कभी तो बच्चे तक अपनी माँ की मदद करने के लिए बावड़ी तक पानी भरने जाते हैं। भिंगारा गांव के लोगों का यह भी कहना है कि इतनी तकलीफों के बावजूद भी अब तक कोई सांसद उनके गांव में नहीं आया है, यदि अगर कोई आए तो वो उन्हें अपनी तकलीफें बता सके। इस सब से परेशान भिंगारा गांव के सभी 1800 रहवासियों ने 10 मार्च को एसडीएम ऑफिस में जाकर यह ज्ञापन दिया है कि यदि उनकी सभी परेशानियां दूर न की गई तो 18 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर गांव का कोई भी व्यक्ति वोट डालने नहीं जाएगा। भिंगारा गांव के लोगों की यह हालत देखकर एक बात तो समझ में आ गई है कि भाजपा सरकार के इस डिजिटल इंडिया में आज भी भिंगारा जैसे कई ऐसे गांव हैं जहां लोगों को रोजमर्रा की सामान्य सुविधाओं के लिए भी कई तकलीफें उठानी पड़ रही है। इस दौरान भिंगारा गांव की महिला ने कैमरा के सामने अपनी आप बीती बताई। नंदू तड़ौले, गाँव भिंगारा। हमारे गाँव में एक ही बावड़ी है, वहाँ पे सभी लोग पानी भी पीते है, सब सुबह शाम सर पे उठा के ले जाना पड़ता है। हमको बहुत परेशानी होती है पानी भरने में, सुबह शाम ले जाना पड़ता पानी। बैल, गाय, भैंस, इंसान सभी एक ही बावड़ी पे पानी पीते हैं, इंसान भी सभी। बहुत दिक्कत है हमारे गांव में, नहीं पता है सर। तो अभी आपने सभी गांव वाले ने चुनाव पर बहिष्कार डाला है। हाँ। ये साल 18 तारीख को मतदान होने वाला, आप लोग सब गांव मिलकर मतदान करने वाले हैं या नहीं? हमारा काम हो जाएगा फिर करेंगे, अगर नहीं काम हुआ तो नहीं करेंगे। ये कि बहुत समस्या है सर, फिर हम आने जाने में बहुत दिक्कत है, खाने की भी समस्या है, फिर लाइट की भी बहुत यहाँ पे समस्या है, अंधेरे में रहना पड़ता है। बुलढाणा से अनिल सिंह चौहान के साथ करनाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट।